हर दिन सड़क पर होती दुर्घटनाओं और होती मौतों ने पलामू को सिहरा कर रख छोड़ा है। बावजूद लगाम लगाना तो दूर, मौतों में हर रोज इजाफा हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा तब जब पाके के खाफ सैराना में सुबह के वक्त ही दिवाली से पूर्व खुशी के माहौल पर गम के साए ने चादर पसार ली, जहां रूप नारायण सिंह का जवान बेटा चंदन बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल से पाके से गुजर रहा था। तभी तेज रफ्तार में आती अनियंत्रित इंडिका कार ने धक्का ही नहीं मारा, चक्के के नीचे सर को रौंदते हुए गुजर गई, जिसके बाद युवक चंदन के सर से काफी सारा खून बहने लगा। वही कार फरार हो गया, मगर आगे जाकर थाने के पास दर्द पहुंचा गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस बुलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। न हेलमेट का इस्तेमाल हो रहा है, न ही तेज रफ्तार पर लगाम लगाया जा रहा है, पर यह एक दिन की नहीं हर दिन की बात है। हर दिन पलामू का हर कोना सड़क दुर्घटना से सिसक रहा है, रो रहा है। पाकी से रूपेश के साथ ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।